गाय जय श्री राम। तो आज कौन सा दिन है? आज है 22 जनवरी जो कि सब लोग को बेसब्री से इंतजार था। आज के दिन रामलला सबके घर पधारेंगे और आज के दिन हम लोग दूसरा दिवाली मनाएंगे। तो ये व्लॉग इसी के लिए, आज के दिन हम लोग के बिरगन सिटी में बहुत ज्यादा ही अच्छे से रामलला का स्वागत हो रहा है और ये ब्लॉग में आप लोग को वही देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। अयोध्या में तो हम लोग न्यूज से देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पर उद्घाटन सब हो ही गया और यहाँ पर भी आधा सब काम करके, मतलब आधा मेरा जो था वो आप आगे ब्लॉग में देखिएगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं महाआरती के लिए राम मंदिर में और ब्लॉग को इन तक बिना स्किप के, बहुत प्यारा ब्लॉग ये, बहुत ज्यादा ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है। सो ये ब्लॉग को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा और बहुत ज्यादा ही प्यार दीजिएगा और बोलिएगा मैं कैसी लग रही हूँ, अभी देखिएगा तब बोलिएगा। और वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा। सो चलते हैं, अभी जा रही हूँ मैं आरती में। सुबह सुबह हम लोग नहाकर चल गए थे घरियारा पोखरा जो कि हम लोग के घर के पास ही है, वहाँ पर हम लोग गए थे जल लेने। यहाँ पर से ही सब लोग कलश लेके जल ले रहे थे, यहाँ पर पानी सूखने नहीं, यहाँ पर पानी सफा होने के कारण थोड़ा सा पानी लेकर हम लोग गए थे कलश यात्रा में। कलश में पानी लेकर हम दोनों देवरानी जेठानी चले गए थे, जहाँ पर लाइन लगा था सब लोग जा रहे थे वहीं पर कलश लेकर। तो यहाँ पर ये रही मेरी जेठानी और ये रही मेरी बेटी। जय श्री राम का जयकारा सुन के तो आप लोग को पता चली गई होगी कि यहाँ पर भी बहुत खुशी और उमंग के साथ एकदम सब लोग अपने घर से सुबह सुबह लेकर, सुबह सुबह उठ के इतना ठंड में कलश लेकर कलश स्थापना में सब लोग सम्मिलित होकर एकदम खुशी के साथ कलश का वो किए। कलश हम लोग मंदिर में रखकर अब हम लोग चल दिए थे घर में, क्योंकि यहाँ का सब ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। उसके बाद शाम को झांकी का प्रोग्राम रखाया गया था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छा अच्छा नृत्य हुआ था। थोड़ा सा जाके देख कर मैं चली अपने दुकान में दिया बालने, मैं और मेरी बेटी। उसके बाद मैं दुकान में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि कोई आया है मुझसे मिलने, स्पेशली मुझसे मिलने। और ये देखिए बीरगंज में पूरा रोड में दिया बला और मुझसे मिलने मेरी नई नवेली दुल्हन आई थी जो कि इसको मैं फर्स्ट टाइम आफ्टर शादी देख रही, बहुत ज़्यादा खुशी थी। ये आई और मुझको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये भी मंदिर घूमने आई थी और इसी बहाने हम दोनों बहन मिल गए। हम लोग पास ही है पर हम लोग नहीं मिल पाते हैं। उनके संग में हम दोनों दुकान में संग में दिया हुआ कर उसको भी अपने घर जाना था और मुझको भी घर जाना था क्योंकि घर में दिया तो हो गया था पर कुछ काम था, इसीलिए यहाँ का काम ऑलमोस्ट यहाँ का दिया कर हम दोनों बहन चल दिए। अपनी बहन को ही टाटा बाय बाय करने में बहुत अजीब सा लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम आफ्टर शादी उसको देखी भी और थोड़ा ही मिल पाए। उसके बाद मैं अपने दुकान में पूजा करना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर पटाखा वटाखा बज रहा है, पूरा दिवाली का वाइब आ रहा है
और घर के पास प्रोग्राम है, हम लोग बालकोनी में मस्त बैठ कर, सब मेरी ननद लोग भी आई थी, तो हम लोग ननद लोग मेरे हस्बैंड लोग आराम से बैठ के प्रोग्राम देख रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। आप लोग भी देख सकते हैं, डांस प्रोग्राम एक तरफ, पटाखा अलग तरफ, बहुत ज़्यादा अच्छा वाइब दे रहा था। खत्म होने के बाद मैं चल दी छोटी दी के साथ, मतलब मेरी नंद के साथ मंदिर। नंद लोग नहीं घूमी थी और मैं भी अच्छे से नहीं घूम पाई थी सुबह, तो यहाँ पर हनुमान जी के साथ साथ राम सीता जी का भी उद्घाटन हो गया था। और ये रहे मेरे हनुमान जी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे। और राम सीता जी के पास हम लोग राम सीता जी को अच्छे से नहीं देख पाए, क्योंकि पर्दा लग गया था मंदिर में पूजा वूजा होने के बाद। और ये रहे मेरे भांजा बाबू, जो कि अपकमिंग ब्लॉगर होगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर दर्शन वर्शन कर दीदी लोग अपने घर गई, और मैं और मेरे मिस्टर घर पर आ गए, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गया था। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और ऐसा ही बहुत सा प्यार देते रहिए। थैंक यू।